दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसे पानी से तो धो नहीं सकते हैं क्योंकि मना है, इसके लिए हम इसमें झाड़ू मार रहे हैं। ये देखो झाड़ू मारने के बाद में एकदम टकाटक हो चुका है, यहाँ साफ हो चुका है एकदम। अब हम इसे यहाँ से अपनी फैक्ट्री को खोलेंगे। ये देखो ये हमने इसका ये प्लग ये निकाल दिया एक तार, और ये दूसरा तार भी हम यहाँ से ये निकालेंगे ऐसा। और इसके बाद में हम ये दो बोल्ट लगे हुए हैं ये देखो, हम इन्हें खोलेंगे और यहाँ से अपनी बैटरी को हम बाहर निकालेंगे। दोस्तों ये देखो ये पाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मैं रूपचंद साहू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये जो हमारी ऑटो रिक्शा खड़ी हुई है महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ट्रियो जोर, अभी मैंने इसको चार्ज पे लगाया है। मैं आपको पहले चार्जिंग पॉइंट दिखा देता हूँ। यह है हमारा चार्जिंग पॉइंट, ये देखो आप देख सकते हैं, और ये हमारा बटन है ये देखो, और ये हमने इसे चालू किया है, ये यहाँ से ये चालू हो गया है, और यह इसकी वायर गई है। और यहाँ से आने के बाद में ये हमारा जो छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड है ये देखो ये वाला, और ये बोर्ड को हम यहाँ से बटन चालू कर दिए। और चालू करने के बाद में चार्जर में थोड़ा आवाज़ आ रही है, ये देखो हमने ये सब चालू कर दिया है। दोस्तों ये चार्जर में लाइट भी आ रही है आप देख सकते हैं। ये देखो ये रेड लाइट जल रही है और ग्रीन वाली हल्का जल रही है, ये देखो ग्रीन और रेड। लेकिन हमारी ऑटो रिक्शा चार्ज नहीं हो रही है, वरना इतना टाइम लगता नहीं है चार्ज होने में, चार्ज होने लगती है लेकिन चार्ज नहीं हो रही है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये चार्ज क्यों नहीं हो रही है। ये देखो ये मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, हॉर्न एक भी नहीं बज रहा है, यानी इसकी जो छोटी वाली बैटरी है वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। और छोटी वाली बैटरी जब डाउन हो जाती है तो ऑटो रिक्शा चार्ज नहीं होती है, चार्जर चार्ज नहीं कर पाता है, क्योंकि इसे जो मेन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है वो छोटी वाली बैटरी जब सप्लाई देती है तो ये चार्ज होती है। तो दोस्तों हम इसे अब आधा घंटा वेट करेंगे, इसे चार्ज में लगा के, चार्ज में लगा कर छोड़ेंगे चालू हालत में, और जब से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आधा घंटा बाद हम देखेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हम इसकी बैटरी को निकालेंगे, छोटी वाली बैटरी को, और इसे बाहर ले जाकर चार्ज कराना पड़ेगा, और चार्ज करने के बाद में फिर से लगाएंगे उसे। तो और हमें कहीं जाना भी था, थोड़ा अर्जेंट था, लेकिन अभी एनी टाइम पे हमारी ऑटो रिक्शा चालू नहीं हो रही है, चार्ज नहीं हो रही है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। और क्या किया जाए, सुबह सुबह टेंशन हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक आगे तक देखें, हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे चार्ज होगी ये। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसे पानी से तो धो नहीं सकते हैं क्योंकि मना है, इसके लिए हम इसमें झाड़ू मार रहे हैं,
ये देखो झाड़ू मारने के बाद में एकदम टकाटक हो चुका है, यहाँ साफ हो चुका है एकदम। अब हम इसे यहाँ से अपनी फैक्ट्री को खोलेंगे। ये देखो ये हमने इसका ये प्लग ये निकाल दिया एक तार, और ये दूसरा तार भी हम यहाँ से ये निकालेंगे ऐसा। और इसके बाद में हम ये दो बोल्ट लगे हुए हैं ये देखो, हम इन्हें खोलेंगे और यहाँ से अपनी बैटरी को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। ये देखो ये है पाना, और ये देखो ये हमने ये बोल्ट खोल दिया। ये एक बोल्ट खोल गया दोस्तों, दूसरा बोल्ट इस साइड में है। ये दूसरा बोल्ट, और यहाँ से ये साइड में हो गया, और ये बैटरी को हमने निकाल दिया दोस्तों। बैटरी हमारी आ चुकी है बाहर, और हम इसे थोड़ा साफ कर देंगे। ये देखो साफ कर दिया हमने। ये हमारी हो निकल चुकी है बैटरी, देख सकते हैं। अब हम इसे लेकर जा रहे हैं, चार्ज करवाएंगे एक घंटा, और लेकर आएंगे और फिर लगाएंगे और आपको फिर दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी बैटरी को निकाल कर लेकर गए थे एक साइड का जो सर्विस सेंटर है, और वहाँ पे जाने के बाद हमारी बैटरी को हमने चार्ज करवाया, चेक करवाया, तो बैटरी हमारी ख़राब हो चुकी थी। इसके लिए बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही थी, तो दोस्तों हमने एक नई बैटरी ख़रीदा है एक साइड की, और वो बैटरी हमें 1000 रुपये में नई बैटरी मिली है। और वो बैटरी को हम लेकर आए हैं, और लाने के बाद हमने उसे ऑटो रिक्शा में सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में हमने उसके बोल्ट को टाइट किया, और इसके बाद में हमने चार्ज पे लगाया, तो ये देखो हमारी ऑटो रिक्शा एकदम सही तरीके से चार्ज होने लगी है। आप देख सकते हैं ये, तो हमें पता था कि हमारी बैटरी ही ख़राब हुई है छोटी वाली, क्योंकि इसके पहले भी एक दो बार बैटरी हमारी प्रॉब्लम कर चुकी थी। तो दोस्तों 1000 रुपये में हमें नई बैटरी मिली है, और हमने बैटरी लेकर आया है, और अब हमारी ऑटो रिक्शा एकदम सही तरीके से चार्ज होने लगी है दोस्तों। ये देखो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, और किसी भी अन्य जानकारी के लिए, चार्जर रिपेयरिंग के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय।